नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीएलसी टैक में एक बार फिर। आज हम सीखेंगे फीचर कैम में कि हम एक रेक्टेंगुलर प्लेट में ड्रिल कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम। तो ये जो है मैंने फीचर कैम खोला हुआ है, इसमें भी हम सेट कर लेते हैं कि अभी जो हमारा ये यूसीएस है इसको हम सेंटर में सेट करते हैं। तो सेंटर में सेट करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। पहले हमें इसको सेलेक्ट करना होगा और फिर हम इसको कर सकते हैं एडिट, देन नेक्स्ट अलाइन टू फेस, देन टॉप एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश, देन ओके। तो अब क्या है कि जो हमारा जॉब है वह यूसीएस सेंटर में सेट हो चुका है और इस पर हम बनाएंगे अभी ड्रिल। तो ड्रिल बनाने के लिए मैं ले लेता हूँ सर्किल और यहाँ पर बना देता हूँ मैं। इसकी जो रेडियस है वह 10 रखी हुई है और इस पे भी हम पॉइंट्स दे देते हैं कि एक्स में हम दे देते हैं 40, देन एंटर। उसके बाद वाई में भी 40 दे देते हैं, देन एंटर। ये इस तरह से दिखने लगेगा और उसके बाद एक्स में -40, एंटर, एंड वाई में -40 एंड एंटर। तो इस तरह से हमारा जो जॉब है वह बनकर आ जाएगा और हम अब इस पर करेंगे ड्रिलिंग की जहाँ पर भी हमें ड्रिलिंग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जाएंगे फीचर कैम में, फीचर्स में देखिए यहाँ पर हमें उसमें ड्रिलिंग करना है। तो होल को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद हमें करना होगा मेक ए पैटर्न फ्रॉम द फीचर, देन नेक्स्ट नेक्स्ट। और यहाँ पर ये देखिए हमें इसमें से सेलेक्ट करना होगा कि ये किस तरह का जो पैटर्न है वह किस तरह का बना हुआ है। तो क्योंकि हमारा जो ये पैटर्न है रेडियल है, तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स 4 है, 4 दे देंगे। इनके जो एंगल है वह 90 है और यहाँ पर जो डायमीटर है पीसीडी उसका जो डायमीटर है वह 80 है। उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। तो ये देखिए हमारा जो ड्रिल है मशीन, अभी ये सॉफ्टवेयर दिखाने लगा है कि ये सेंटर पर जो हमने बनाए थे ड्रिल वहीं पर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि क्या आपको ड्रिल करना है, स्पोर्ट ड्रिलिंग भी चलानी है या नहीं। तो मैं स्पोर्ट ड्रिल नहीं चलाऊंगा, तो इसको मैंने हटा दिया है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट। अभी मुझे यहाँ पर टूल सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर ड्रिल टूल सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये जितने डायग है वह मैं टूल अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए चेंज कर सकते हैं कि स्पीड और फीड आपको कितना रखना है, वह आप इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने फीड दी हुई है वह पर रोटेशन 0.15 दी हुई है और आरपीएम जो है 776 है। अब नेक्स्ट कीजिए। यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं कि आपको फ्लड मींस कूलेंट चलाना है या नहीं चलाना है, तो वह भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देन नेक्स्ट और फिनिश। इस तरह से क्या है कि हमारे सामने ये पूरी जो स्ट्रेटजी है प्रोग्राम की वह बनकर आ जाएगी। आप इसमें अगर रिव्यू करना चाहें तो रिव्यू कर सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ होल्स 4 है, 90 डिग्री है, पीसीडी डाया 80 है। उसकी लोकेशन भी आप चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर ये डायमेंशंस वगैरह है आपको कितनी डेप्थ तक ये चाहिए, लोकेशन, स्ट्रेटजी आपको ड्रिल चलाना है, और यहाँ पर ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं कि इसमें प्लंज कितना है, डेप्थ कितनी डेप्थ तक वह जाएगा, देन उसके बाद ओके। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो जॉब है वह उसके सामने बनकर आ जाएगा और इस तरह से आप करके यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे जो ड्रिल है वह जॉब के बिल्कुल पार जा रहे हैं। अभी हम इसको देखिए चलाकर देख लेते हैं। तो ये 3D में मैं चलाकर देखने वाला हूँ। अभी इसको एक एंगल दे देते हैं ताकि हमें टूल अच्छे से दिखाई देने लगे। तो इसको मैं कर देता हूँ प्ले और ये देखिए इस तरह से जो है ये जो हमारा जो ड्रिल है इसमें बनकर आ जाएगा। बट हमें इसमें क्या है, G73 का यूज़ करके प्रोग्राम बना रहा था,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम पर डबल क्लिक करेंगे तो उस तरह से हमारे जो जो ये प्रोग्राम जहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं खुलकर सामने आ जाएगा, और उसमें आप देखेंगे साइकिल। तो आप जैसे ही साइकिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये एक ट्रिल साइकिल खुलकर सामने आ जाएगी। तो जो कि अभी हमारा जो प्रोग्राम है G83 में बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पैक ड्रिलिंग, बट इससे इसका यूज हम जो करते हैं ज़्यादा डैप में यूज करते हैं, और G73 ये भी हमारा पैक ड्रिलिंग ही होता है, बट ये हाई स्पीड पैक ड्रिलिंग बोला जाता है। इसका यूज हम सॉफ्ट मशीनिंग जैसे एल्यूमिनियम वगैरह जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, जबकि G83 का यूज हम करते हैं हार्ड मेटल जैसे कि स्टील वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट मिल जाता है कि हमारा एक तो साइकिल टाइम सेव हो जाता है, और ये जो हमारा जो टूल मूवमेंट एक्स्ट्रा लगने वाला था वह भी बच जाता है। तो हमारा टाइम और क्वालिटी हमें सेम मिलती है, और हमारा जो टाइम है वह बच जाता है। तो इस पर आप अप्लाई कीजिए और ओके। अब जो हमारी जो जॉब है उसमें क्या होगा कि ये हाई स्पीड कटिंग हो जाएगी इसमें ड्रिलिंग में, इसको आप प्ले करेंगे तो इस तरह से देखिए इसमें क्या होता है कि ये देखिए हल्का सा एक बार टूल हल्का सा ऊपर उठता है और फिर नीचे जाता है। आप इसको अगर सिंगल स्टेप में भी देखना चाहें तो सिंगल स्टेप में भी देख सकते हैं। ये देखिए नीचे जाता है फिर ऊपर उठता है। तो इस तरह से ये जॉब है हमारा जो है G73 में बन जाएगा। बट इसमें क्या डिफरेंस है कि G83 में क्या होता है कि टूल एक पैक लेने के बाद बिल्कुल बाहर आता है जॉब से, जबकि G73 में वह सेट डिस्टेंस तक ही बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारी जो जॉब है वह बन जाएगी, और G73 का यूज हमने जो किया है यहाँ पर G73 का यूज करके हम इस तरह से एक अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जो मशीन है वह भी इसमें ड्रिल बनाएगी जॉब में, तो ये इस तरह से मशीन इसमें ड्रिल बनाकर चली जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल PLC टेक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।